नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दिल्ली का आक्रोश दिखा शहर में, छात्राओं ने निकाला विशाल जुलूस। पढ़ने की उम्र में छात्रों ने किया अजीब कारनामा, कदमा पुलिस आई हरकत में। और आयकर विभाग की टीम ने माइकल मोल्ड कंपनी में की छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक विशाल जुलूस भी निकाला। जमशेदपुर, रांची, दिल्ली समेत लगातार देश के अन्य शहरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं में वृद्धि से नाराज जमशेदपुर में कॉलेज की छात्राओं ने जुलूस निकाला। वहीं छात्राओं ने जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर नारे लगाए। जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज से निकाले गए जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरा और नारेबाजी भी किया गया। इस दौरान छात्राएं के हाथ में तख्तियां लेकर विरोध कर रही थीं। सड़क पर निकले लोग दिल्ली में लड़की के साथ हुए बलात्कार की घटना का जमकर विरोध किया और लड़कियों के साथ शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध करना चाहिए ताकि दोबारा बलात्कारियों का इस तरह का हिम्मत ना हो और हम सबको एकजुट होकर इस बात का ही विरोध करना चाहिए कि सारी लड़के कमजोर नहीं है, वे हम लोगों को कमजोर समझ कर इस तरह का फायदा उठाते हैं और किसी भी मामले में लड़कियां कमजोर नहीं है। आज वे हर कदम पे पुरुषों से आगे हैं। इस मामले में हमें पुरुषों को दबाना चाहिए और उन्हें इस तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सरकारी को लेकर यही परेशानी हो रही है कि आज की डेट पर लड़कियां फ्रीडम से अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही। आए दिन कुछ ना कुछ छेड़खानी होती रहती है, अगर लोग चाहे तो उसको सुधार सकते हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते ही नहीं है कि इस चीज़ को सुधारे चाहे ना सुधारे, क्योंकि पब्लिक सोचती है कि ना ये हमारे घर की तो लड़की है नहीं, तो इसे रोक करके क्या हो, हमारे घर की लड़की होती तो देखे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनके घर की लड़की के साथ कुछ भी होगा तो उनके सामने तो नहीं होगा, उनके पीछे ही होगा। आज अगर हर कोई लड़कियों को सोचे कि नहीं ये हमारे घर की लड़की, जिस तरह से अपने घर की लड़की की रक्षा करते हैं उसी तरह से अपनी सिटी, शहर, अपने कंट्री की लड़कियों की रक्षा करे, तो हो सकता है कि ऐसा होने से रुक जाए। अगर पुलिस या कोर्ट कुछ नहीं करती तो हमारा सोच यही रहेगा कि हमारे एरिया के वाइज ना एक अलग अलग से रूट बनाया जाए और वैसे वैसे लोगों को पकड़ पकड़ के नंगा करके मारा जाए। और उधर कदमा में दो छात्रों ने अजीब और गरीब हरकत की है। तीन छात्रों ने एक महिला की अश्लील तस्वीर और उसके बारे में लिखकर एक तस्वीर तैयार की और उसे नेट में डालने की धमकी देकर 2 लाख रुपए दिए जाने की मांग कर दी। महिला ने इस बात की जानकारी अपने पति को दी और पुलिस की मदद से उनमें से एक छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। स्कूल जाने के बजाय जमशेदपुर में छात्रों की एक टोली लोगों को, खासकर महिलाओं को ब्लैकमेल कर रही है। इनमें से एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जो कदमा फार्म एरिया स्थित लिटिल एंजल स्कूल के 8वीं का छात्र अभिषेक दास है, जबकि इसका एक अन्य साथी फरार बताया जा रहा है। जो छात्र फरार हैं वहां जमशेदपुर के नामी गिरामी लोयला स्कूल के 10वीं के छात्र राहुल हैं। बताता है कि दो छात्रों ने मिलकर कदमा की रहने वाली महिला को ठगने का प्लान बनाया और उसकी अश्लील तस्वीर बनाकर उससे ब्लैकमेल करने लगे। वो अभिषेक दास करके एक बच्चा है, वो लिटिल स्कूल में पढ़ता है, लिटिल एंगल स्कूल है, एंजल स्कूल फार्म एरिया में, उसमें 8 क्लास का लड़का है और वह एक राहुल नाम के लड़का से उसकी दोस्ती है। और क्या सोच समझ करके, अब उम्र तो इन लोगों का बहुत कम है, अब क्या सोच समझ करके एक बैग ले करके अपने पड़ोसी है, ये इनका नाम है जोगाई महतो जी, जोगाई महतो जी के यहाँ जा करके बैग रख दिया और उसमें कुछ अश्लील बातें लिख करके कि हम तुम्हारा इज्जत जो है वो लोगों के बीच में उछाल दूंगा जो तुम्हारे बीच में है, नहीं तो तुमको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसा क्यों ये सब किया है, अब ये सब तहकीकात किया जा रहा है। है तो वो ये लोग का बहुत माइनर एज है, लेकिन इस ढंग की बात अगर ये लोग किया है तो इसके पीछे क्या बात है, इसको इंक्वायर करके फिर।
इस मामले में पीड़िता के पति ने बताया है कि कागज में लपेटकर 2 लाख रुपए की मांग से संबंधित चिट्ठी भेजी गई। वही लेटर दिया था, असली कुछ बात लिखा था और उसका फिरौती में पैसा मांग रहा था। किससे मांग रहा? हमसे, माने वाइफ से। पैसा दो नहीं तो तेरा आदमी को बता देगा। ये सब क्या बता देगा? क्या बता तो है जानता है, वो तो लिखा हुआ। कैसे उसको लड़का को प्रॉब्लम पकड़ा? क्या रेड हैंड पकड़ा उसका, फॉलो कर रहे थे। कब कब उसने लेटर लिख फेंका था? क्या वो सोमवार को सुबह? फिर उसके बाद? उसके बाद आज डेट दिया था, वो डेट का हिसाब से उसको फॉलो किया गया। लेटर तो फेंका था, आप थे उस वक्त घर पे? हाँ, घर में थे। कैसे आपको लेटर मिला, हाथ में कैसे मिला? नहीं, हाथ में नहीं, गिरा तो वहाँ बाथरूम का, वहाँ गिरा तो वाइफ हमको उठा के दी कि देखिए क्या है इसमें। कितना पैसा डिमांड किया? 2 लाख। छात्रों की इस हरकत के बाद उनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर इससे पहले छात्रों ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। और उधर सुंदरनगर में आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को माइका मोल्ड कंपनी के मालिक अरुण अग्रवाल के घर में एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। रांची से आई आयकर विभाग की 31 सदस्य टीम ने घर और फैक्ट्री के दस्तावेजों को खंगाल डाला। आयकर चोरी के संबंध में सूचना मिलने के बाद रांची आयकर विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने अरुण अग्रवाल के प्रतिष्ठान और आवास दोनों जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस छापेमारी टीम का नेतृत्व आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर कर रहे थे। छापेमारी के दौरान अचानक ही व्यवसायी अरुण अग्रवाल और उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अरुण अग्रवाल के घर पर आयकर विभाग की टीम विभिन्न दस्तावेजों और कागजातों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वह कुछ कागजातों को जब्त भी कर लिया गया है। आपको बताते चले कि वर्ष 2009 में भी आयकर विभाग ने अरुण अग्रवाल के घर पर छापेमारी की थी। उस दौरान आयकर विभाग को उनके घर से 5 करोड़ नकद रुपए मिले थे। और कहां आपको जानकारी नहीं? जमशेदपुर में कितनी जगह हो रही है? ये हमको ठीक से मालूम नहीं है। अभी किनके घर में? अभी नहीं कर यहाँ पर। क्या नाम है सर जिनका घर हो रहा? इनका नाम है अरुण अग्रवाल। सर क्या कुछ बरामदगी हुई है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। अच्छा, दोनों अरुण अग्रवाल की पत्नी तो कहाँ लगी थी? वो तो तबीयत खराब हुई, हम जा रहे हैं। कहाँ कहाँ लगी थी? वो हॉस्पिटल गए हैं। क्या व्यवसाय करते हैं? फैक्ट्री है। इसलिए एग्जैक्टली हमको कुछ ठीक से मालूम नहीं है। फैक्ट्री है लोग का, रेलो वगैरह में कुछ बनाने का। क्या सर हाथा वगैरह में कुछ हवाएं चल रही है? हाँ सर, फैक्ट्री भी चल रही है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बागबेड़ा विकास समिति ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। ये लोग बागबेड़ा के गरीबों को अन्नपूर्णा योजना के तहत चावल देने की मांग कर रहे थे। बागबेड़ा बस्ती विकास समिति की मांग थी कि बागबेड़ा क्षेत्र के 7 पंचायतों के कुल 142 अन्नपूर्णा योजना के वैसे गरीब एवं असहाय लाभुक हैं जिन्हें 10 वर्षों से लगातार अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से प्रतिमाह 10 किलो के हिसाब से चावल मिलता था, पर पिछले 18 महीने से विभागीय लापरवाही के कारण चावल नहीं मिला है। यह कहकर इन्हें चावल नहीं दिया जा रहा है कि इनका नाम पेंशन सूची में शामिल कर दिया गया है। अब लाभुकों को विभाग द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाएगा,
परंतु इनको पेंशन भी अब तक नहीं मिल पाया है। समिति ने मांग की है कि गरीब लाभुकों को पूर्व की भांति अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाए, अन्यथा बाध्य होकर 21 जनवरी से वे लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कार्य गंभीर है, लेकिन यहाँ के प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के जो कर्मचारी है वो एकदम लापरवाह है। वो मने कि वृद्धा लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। विगत 18 माह से इन लोगों का अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से अनाज मिलता था। बागबेड़ा 7 पंचायत की समस्या है। कुल लाभुक 142 है और 142 लाभुकों का अनाज 18 महीना से रोक के रखा गया है। जब पूछने पर वीडियो द्वारा बोला गया कि इन लोगों का नाम अब पेंशन सूची में शामिल कर दिया गया है, इन लोगों को पेंशन दी जाएगी, लेकिन 18 माह से इन लाभुकों को ना ही पेंशन दिया जा रहा है और ना ही इन्हें पूर्व का भारतीय अन्नपूर्णा योजना के मार्फत अनाज दिया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। एक साल से लगातार हम लोग बागबेड़ा विकास समिति की ओर से जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिमाइंडर कर रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन वो हम लोग का नहीं सुने। इसी के विरोध आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और इसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं करती है तो 21 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उधर प्रेमिका को धोखा देने व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भालूवासा निवासी मोहम्मद इम्तियाज हुसैन ने को साक्षी पुलिस ने 2 दिनों के रिमांड पर लेकर उसकी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद उसका MGM अस्पताल में मेडिकल जांच करवा कर उसे जेल भेज दिया है। MGM अस्पताल में मेडिकल जाँच के लिए आए गए प्रेमी मोहम्मद इम्तियाज हुसैन ने बताया है कि वह पिछले 4 वर्षों से अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की नादिया नाज से प्रेम करता है। 6 माह पूर्व नादिया उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन वह शादी के बाद खर्च उठाने के लायक नहीं था, जिसके बाद उसने नाजिया के पिता को सारी बात बताकर उसे पिता के पास सौंप दिया। उसके बाद उसके साथ मिलना जुलना भी बंद कर दिया। 6 माह बाद वह कोर्ट गया था। अचानक वहीं नादिया ने देख लिया और फोन कर उसे अपने पास बुलाया। जब वह नहीं आया तो वह स्वर्णरेखा नदी में कूद कर जान देना चाहिए, जिसको लेकर इसे रिमांड पर ले लिया गया है। 4 साल पहले से मेरा अफेयर चल रहा है। 6 महीने पहले उसके फादर को बता दिया। क्या नाम है लड़की का? नादिया नाज। हैं? नादिया नाज। आपका क्या नाम है? इम्तियाज हुसैन। कहाँ रहते हैं? भालूवासा। कैसे मुलाकात हुआ था? एक ही बस्ती में रहते हैं। आप भी वहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या हुआ फिर? कट मेरे को शादी के लिए परेशान कर रहे थे तो उसके फादर को हैंड ओवर हम कर दिए थे, बता दिए थे 6 महीने पहले। 6 महीने पहले लास्ट उसके फादर को हम बता दिए थे कि मेरे को परेशान करती शादी के लिए, हम उस लायक है नहीं कि शादी कर लें। उसके बाद फिर लड़की से कोई मेरा लिंकअप ही था ही नहीं। अचानक से कोई 2 लड़के के साथ जा रही थी, मेरे को देखी, फ़ोन करके बुलवाई, हम नहीं गए तो इतना बड़ा कदम उठा ली। सोची फिर मेरे फादर को कहीं बुला के नहीं बोल दिया, उसके पता नहीं वो क्या क्या किया, फंसा दिया गया। अब क्या करते हैं जी? क्या करते हैं आप? हम जॉब कर रहे थे, मेरे गेट पास लेफ्ट हो गया तो अभी बैठे रहते। कहाँ पर काम कर रहे थे? और उधर स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी सिंहभूम की तरफ से 23 दिसंबर को स्वदेशी परिवार सम्मेलन का आयोजन मानगो के गांधी घाट पर किया जाएगा। इस परिवार सम्मेलन में जिले से लगभग 500 परिवार सम्मिलित होंगे। स्वदेशी जागरण मंच इस प्रकार से सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान समय में टूटते और बिखरते परिवार को सहेजने और संवारने के लिए समाज में जागरूकता के लिए कार्य करेगा। 2008 में विश्वव्यापी मंदी आने के बावजूद भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका एकमात्र आधार भारतवर्ष में संयुक्त परिवार का होना ही था। आज देश में जो भी घटनाएं, चाहे लूट, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, आत्महत्या, अवसाद की घट रही हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं का एकमात्र कारण है संयुक्त परिवार का बिखरना। पूर्वी सिंहभूम जिले का परिवार सम्मेलन हम लोग गांधी घाट में करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर में तय किया था। स्वदेशी जागरण मंच ने, हमारा मानना है कि देश में जिस प्रकार से आज हिंसा बढ़ रही है, देश में जिस प्रकार से बलात्कार, व्याभिचार और बाकी चीज़ें बढ़ रही है, यह केवल कानून और पुलिस और सरकारों के भरोसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है और उससे इसका निदान संभव नहीं है। स्कूलों में हम लाख नैतिक शिक्षा की बात कर लें, कॉलेजों में कर लें, लेकिन जिस प्रकार से परिवार बिखर रहे हैं, जिस प्रकार से यूरोप अमेरिका में सेचुरेशन के बाद वहाँ की कंपनियों ने विज्ञापन माध्यम से, सीरियल माध्यम से यहाँ के परिवारों को तोड़ने का प्रयास किया है, और एकल परिवार के कारण ये सेक्स, हिंसा, बाकी चीज़ें जो परोसी जा रही है,
उसका दुष्परिणाम आज समाज में परिलक्षित हो रहा है। दूसरा, एक परिवार से दूसरे परिवारों के बीच जो इंटरेक्शन घट रहा है, आपस में मेल जोल जो घट रहा है, उसके कारण बचपन से आपस में रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये एक तो परिवारों का एकल होना और दूसरा परिवारों के आपस में तालमेल न होना, इसके दुष्परिणाम आज समाज में विभिन्न रूप में आ रहा है। हमको काम करना होगा, तो जड़ खोदना होगा इसका, और जड़ खोदने के लिए अगर हम परिवारों में संस्कार डालेंगे, परिवारों का आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में ऐसी चीजों की कमी आएगी। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 इयर्स परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75-80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिस टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, स्पोकन इंग्लिश fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. Baridi, Gurdwara Road, Baridi. Prakriti ke garbh mein yugon yugon se samahit ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो। संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता: गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईएसआई की सुविधा की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। अस्पताल अधीक्षक के आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी काम पर वापस आए। सफाई कर्मचारी रवि नामता ने बताया है कि वे लोग पिछले 12 वर्षों से एमजीएम अस्पताल में अपना सेवा दे रहे हैं। उस दौरान जितने भी ठेकेदार आए, किसी ने भी उन्हें ईएसआई की सुविधा नहीं दी। जब ये लोग इसकी मांग करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता है। वर्तमान में श्रीराम इंटरप्राइजेस के सफाई का काम चल रहा है। श्रीराम इंटरप्राइजेस के ठेकेदार राजीव ने उन लोगों को कई बार ईएसआई की मांग की, लेकिन वह हर बार टालता गया, जिसके कारण सफाई कर्मचारी उग्र हो गए और सभी कर्मचारी ईएसआई की मांग के लिए अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की। अधीक्षक के आश्वासन के बाद कर्मचारी शांत हो गए। हम लोग अधीक्षक महोदय से मिलने गए थे। हम लोग तकरीबन 12 साल से यहाँ पर ही कार्यरत है ठेका मजदूरी के रूप में, और हम लोगों को लगभग सुविधा मिलता है, लेकिन एक सुविधा भी जो कि एक लेबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है, वो है आपका ईएसआई, जो एक मेडिकल की सुविधा होता है। वो सुविधा हम लोगों को अभी तक 10-11-12 साल से नहीं मिल रहा है, और जो भी ठेकेदार यहाँ पर अपना कार्य समाप्त करके जाता है, उसका आश्वासन यही रहता है कि हम तुम लोगों का ईएसआई का कार्ड बना देंगे, सुविधा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं नहीं, कर्मचारी जब मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक के पास गए थे तो ठेकेदार नाराज होकर उनका आधा टाइम का भी काट लिया और दोपहर का खाना खाने से भी उन्हें रोक दिया। जब कर्मचारी इसका विरोध किया तो उन्हें खाना दिया गया। मना कर रहा, 12:30 में हम लोग का छुट्टी हुआ, सर बुलाया था, उन्होंने यहाँ आया तो हम लोग को खाना खाने के लिए बोल रहा, तो खाना खाएगा बोल रहा, तो बता आधा वाला खर्चा सबको आधा वाला कर देगा। और उधर तेली समाज के उत्थान के लिए अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासंघ केंद्रीय समिति ने सांची स्थित होटल दावत में एक बैठक की। अखिल भारतीय तैलिक वैश्य समिति के महामंत्री राजकिशोर प्रसाद ने बताया है कि उनका समाज और अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए वे लोग अपने समाज के प्रगति व विकास के लिए कार्यकारिणी सदस्यों के बीच बैठक कर
यह घोषणा की कि नए वर्षों में पहले वन भोज करेंगे, फिर 10 फरवरी को ब्लड डोनेशन कैंप, 21 अप्रैल को अपने पूर्वज दानवीर भावा साहब की जयंती के अवसर पर प्रांतीय सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में वैवाहिक मिलन समारोह और गरीब शादी योग्य कन्याओं के विवाह हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय कमेटी द्वारा शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाएगा, दूसरे समाज के लोग भी के बीच भी यह कार्य किया जाएगा। और हमारे अखिल भारतीय दलित वैश्य समाज सभा का कार्यकारिणी की आज बैठक का आयोजन हमारे होटल दावत में किया गया है, जिसके कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच में हम लोग समाज की प्रगति के लिए किस तरह से समाज का विकास हो, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सेमिनार, पिकनिक, वनभोज, वैवाहिक परिचय मिलन समारोह और ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह का कार्यक्रम जो सामाजिक संस्था के उत्थान के लिए किया जाता है, उस तरह के कार्यक्रम का आयोजन के विषय में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आयोजन की तारीख क्या होगी, इसके विषय में आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष बलराम प्रसाद जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और हमारे समाज के सारे गणमान्य लोग आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। किस तरह का समाज सेवा आप लोग करेंगे? समाज सेवा हम लोग जो है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, समाज के लिए वैवाहिक परिचय मिलन समारोह कराते हैं, हम लोग समाज में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ट्यूशन के फ्री मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था क्षेत्रीय कमेटी द्वारा जगह जगह पे शहरों में किया जाता है, हमारे समाज में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए भी विवाहिक मैंने विवाह करवाया जाता है, इस तरह का सामाजिक संस्था हम लोग का है और हम लोग समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है, मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 हेमंत ऋतु, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन शनिवार, ऋतु नक्षत्र होगा दिन 3:05 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 प्रातः तक। मेष राशि, मालिक मंगल, ईश्वर की असीम कृपा के होंगे आप पात्र। आज आपका परचम हराएगा, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति और निशा प्रसन्नचित रहेंगे, घर में रहेगा खुशियों का माहौल, व्यवसायिक गण परम आनंदित रहेंगे और आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम हराएंगे। राशि, मालिक शुक्र, आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है, वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, लेकिन हाँ आज के दिन व्यवसायी गण बड़े खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ यदि आप अपने क्रोध पर संयम बरतेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। प्रातः काल उठें, हनुमान जी की आराधना आप करेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से, बुद्धि आपकी बड़ी ही निर्मल होगी, मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे उत्तम योग, वाणी के सक्षमता के द्वारा आज आपको मान सम्मान और स्वयं की प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण, विद्यार्थी गण और आज के दिन परम प्रसन्न रहेंगी ग्रहिया। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, धनागम के तो रहेंगे उत्तम योग, लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है, आपके अपने ही मित्र शत्रु के रूप में परिणत हो सकते हैं, तो आप लेन देन में सावधानी बरतें। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायियां खुशहाल रहेंगे, आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले बिल्कुल परचम हराएंगे। कन्या राशि, सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज आपके प्रबल योग रहेंगे धनागम के, 500 रुपये आपके लिए है, घर में बड़ा ही सामंजस्य का माहौल रहेगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे,
सुखद समाचार के योग रहेंगे। घर में अतिथियों के आगमन से आज आप पुलकाय मान उठेंगे, बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं, वाणी पर भी आप संयम रखें, साथ ही साथ मित्रों का सहयोग लें और अपने विशेष करके इष्ट मित्रों का सहयोग लेंगे तो आप सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे आज के दिन। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी, साथ ही साथ आज आप बड़े परोपकारी रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे, बिल्कुल ईश्वर के असीम कृपा के पात्र रहेंगे, धनागम के रहेंगे उत्तम योग, व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, राजनीति क्षेत्र वाले आज परचम रहेंगे और विद्यार्थीगण विद्या धन में रत रहेंगे आज के दिन। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल आज आपका मंगल ही मंगल होगा, वाणी के सक्षमता के ही द्वारा आज आपको मान सम्मान और ख्याति की योग प्राप्त हो रहे हैं, यात्रा भी आपकी मंगलमय होगा, वाहन सुख आपके लिए है आज के दिन, नवीन योजना भी आपकी सफल होंगे, रुके हुए धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं तो बिल्कुल आप आनंदित रहें। धनुराशि, मालिक बृहस्पति सुयश की प्राप्ति के साथ साथ धनागम के रहेंगे उत्तम योग, वाणी भी आपकी बड़ी सुमधुर होगी, क्लिष्ट आज आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, आनंदित समय आपका व्यतीत होगा अपने इष्ट मित्रों के साथ, किसी आप धार्मिक यात्रा अथवा मांगलिक यात्रा अपने बाल बच्चों के साथ मित्रों के साथ करने के योग पर रहेंगे और विशेष करके आज आप विद्वानों के भी बीच में रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही खुशहाली का समय होगा जब आप किसी मांगलिक कार्य को आप अंजाम देंगे। मकर राशि, मालिक शनि सुहृद इष्ट मित्रों का आज प्रेम भाव आपको प्राप्त होगा, वाहन भी सुख आपके लिए है, समय अनुसार धनागम के रहेंगे उत्तम योग, व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, राजनीति क्षेत्र वाले आज के दिन परचम रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि धनागम के साथ साथ आपके बन रहे हैं अपव्यय के योग, यात्रा में भी आपको बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है, वाहन से भी आपको नुकसान हो सकता है, चोट चपेट के योग बन रहे हैं तो आज आप झूठी बातें अथवा इधर उधर की बातों में आप संपर्क ना करेंगे, ऐसे मित्रों को परखें जो आपके ही शत्रु के रूप में हो सकते हैं, प्रातः काल उठें और हनुमान जी की आराधना करें, ओम हुं फट इस मंत्र से आप 11 बार आहुति देंगे, लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति बिल्कुल आपकी बड़ी बुद्धि निर्मल होगी, कांतिमान होगी, आप समाज में प्रतापी होंगे, सूरवीर होंगे, मान सम्मान के योग बन रहे हैं, धनागम के रहेंगे उत्तम योग, व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे आज के दिन, विद्यार्थी गण भी परचम रहेंगे और रणनीति क्षेत्र वाले आज परम आनंदित रहेंगे, मान सम्मान की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दिल्ली का आक्रोश दिखा शहर में, छात्राओं ने निकाला विशाल जुलूस। पढ़ने की उम्र में छात्रों ने किया अजीब कारनामा, कदमा पुलिस आई हरकत में। और आयकर विभाग की टीम ने माइकल मोल्ड कंपनी में की छापेमारी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।